कड़ी पत्ता पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है और गैस एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करता है। कड़ी पत्ता पाचक रसों के स्राव को बढ़ाता है जिससे भोजन पचने में आसानी होती है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज दूर करता है। कड़ी पत्ते के एंटी बैक्टीरियल गुण पाचन तंत्र के संक्रमण से बचाते हैं। इसमें विटामिन ए बी और ई के साथ कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। रोजाना सुबह 5 से 6 कड़ी पत्ते खाए जा सकते हैं जिससे लीवर की सुरक्षा भी होती है। कड़ी पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है, इससे हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं खाने से और मधुमेह जैसी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। यह किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होते हैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते आँखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं, ये हमारे खून को भी साफ करते हैं कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते के लिए हमें इस तरह से गमले की मिट्टी रखनी चाहिए ताकि अच्छी कड़ी पत्ते हमें मिल सकें। देखिए भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी को मतलब बीच बीच में हमें थोड़ा इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे पोषक तत्व अच्छे से मिल सके हमें। कड़ी पत्ते में बहुत से विटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें ए बी सी और ई तो होते ही हैं, कैल्शियम आयरन बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारी स्किन को बहुत अच्छा होता है, खाने से हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, ग्लो करती है हमारी स्किन, और हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर जो हमारे बालों में रूसी है, खारिश है, खुजली है, तो इसके पेस्ट को हम दही में मिला के लगा सकते हैं या एलोवेरा अपने एलोवेरा जेल में भी मिला के लगाया जा सकता है। 1-1.5 घंटे के लिए हम लगा के छोड़ दें और इसको सिंपल पानी से वॉश कर लें, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे हमें बहुत ही लाभ मिलते हैं, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को ये ठीक करता है और हमें गुड कोलेस्ट्रॉल प्रदान करता है। तो इसलिए हमें इसको हर रोज़ खानी चाहिए। ये हमारा तुलसी का पौधा, देखिए तुलसी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, रक्त शोधक के लिए काम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और श्वसन संबंधी विकारों का इलाज करता है, वजन कम करने में मदद करता है। और यह है बैंगन का पौधा, सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन B6 होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारे तुलसी के पौधे अपने आप उगे हुए हैं और इनके साथ एक केले का पौधा भी उग गया है, देखिए ये दोनों ही फायदेमंद हैं। और ये है हमारे मिर्चों का पौधा और बैंगन का पौधा। हरी मिर्च भी सेहत के लिए अच्छी होती है, आँखों के लिए भी अच्छी होती है। और ये है स्नेक प्लांट, ये तुलसी के पौधे ही हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और ये है अरबी के पौधे, इससे भी हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है और ये भी अच्छे होते हैं सेहत के लिए। अरबी के पत्तों में पोटेशियम होता है जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अरबी के पत्तों का साग ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। पेठा भरपूर फाइबर सोर्स है, पेठा बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये पेठा हमने इसमें बीज डाले थे जो वेस्ट थे उससे उगाया है बेल इसकी, अब इसको अच्छे से लगाया जा सकता है। और ये है डेकोरेटिव प्लांट्स हैं थोड़े, देखिए, और इसमें देखिए ये तो हमारे पेठे की बेल ही है, ये अपने आप उगाई है और ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये अजवाइन प्लांट बोला जाता है बट अजवाइन प्लांट नहीं है, ये भी बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। और ये हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे, इसको हम हर रोज़ देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए कैसे भूखे हैं और खाना मांग रहे हैं, ये थोड़ा इनको ड्रॉपर से थोड़ा मिल्क हम पिला देते हैं, अभी तो हमें पता नहीं, ज़्यादा खाना नहीं खिला पा सकते। ये है स्नेक प्लांट जो कि वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा है और ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में हमें प्रदान करता है,
ये है हमारी मनी प्लांट। मनी प्लांट भी हमें ऑक्सीजन तो देती ही है। ये है एलोवेरा प्लांट। ये है वो छोटी सी चिड़िया जिसके वो बच्चे हैं, और ये अपने बच्चों के पास रेगुलर आती है और उनको निहारती रहती है। तो चलिए ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कैसे केयर करती है। इसको हमने नज़दीक से देखा है, बहुत ही अच्छी लगती है हमें। तो चलिए ये सारी वीडियो हमारी कैसी लगी तो आप इसके लिए कमेंट कीजिए। यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।